हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर आर्थिक भूगोल की अध्ययन की विधियों की चर्चा करेंगे। कल की क्लास में अपन ने आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। विषय क्षेत्र, यदि विषय क्षेत्र की बात करें तो उसमें आर्थिक भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर क्रियाकलापों का गहन अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर यदि प्राकृतिक जैविक एवं मानवीय तत्वों की प्रक्रिया में असमानताएं देखने को मिलती है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर चाहे प्राकृतिक हो, जैविक हो या मानवीय तत्व हो, इनकी प्रक्रियाओं के अंदर असमानताएं देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र के अंदर यानी कि प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से, मानवीय रूप से, यानी कि जो प्रक्रियाएं हैं उसमें एक क्षेत्रीय इकाई से दूसरी क्षेत्रीय इकाई में भिन्नताएँ होती है। जैसे प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई है, उस क्षेत्रीय इकाई के अंदर भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना उच्चावास, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या, घनत्व, तो इस प्रकार, या फिर खनिज की दृष्टि से देखें, खनिज, ये प्रत्येक यानी पृथ्वी के अंदर जितनी भी क्षेत्रीय इकाइयां हैं, वह चाहे प्राकृतिक, जैविक या मानवीय तत्वों की जो प्रक्रिया हैं, उस प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई होती है, उस क्षेत्रीय इकाई के अंदर दूसरी क्षेत्रीय इकाई की तुलना में भूगर्भिक रूप संरचना की दृष्टि से, उच्चावास की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से, वनस्पति, जनसंख्या, घनत्व या खनिज की दृष्टि से विभिन्नताएँ मिलती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो गंगा का मैदान है, उत्तर के अंदर गंगा का मैदान, और दक्षिण के अंदर जो पठारी प्रदेश, यदि इस गंगा के मैदान, उत्तरी विशाल गंगा का जो मैदान है इसमें और दक्षिणी पठारी मैदान के अंदर इन दोनों इकाइयों की तुलना करें तो इसमें भिन्नताएं किसमें देखने को मिलेगी? भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, गंगा का मैदान है, जिसे उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचले गंगा का मैदान कहा जाता है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भिन्न है, उच्चावास की दृष्टि से जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज और जनसंख्या इसमें भिन्नताएँ हैं। ऐसी की ऐसी यदि पठारी प्रदेश हैं, दक्षिणी भारत का पठारी प्रदेश है, वहाँ की भूगर्भिक संरचना अलग प्रकार की है, जलवायु, वनस्पति, खनिज या आवास तंत्र, जल की उपलब्धता या कृषि का क्षेत्र होना, बहुत सारी प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती है। और ये भिन्नताएं मानव के क्रियाकलाप है, मानव क्रियाकलाप से प्रभावित होती है। और इस विभिन्न भिन्नताओं की, क्षेत्रीय भिन्नताओं की दृष्टि से मानवीय क्रियाकलाप को ध्यान में रखकर सभी क्षेत्रों का अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी पर प्रत्येक इकाई के अंदर, प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के अंदर जो भूगर्भिक संरचना, उच्चावास, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, खनिज, जनसंख्या, ये जो भिन्नताएं हैं, ये भिन्नताएं मानवीय क्रियाकलाप से सीधे प्रभावित होती है। और इस मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन क्षेत्र इन क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है।
अब बात आती है कि भूगोल की जो अध्ययन की विधियां हैं उसमें कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे सबसे पहले भूगोल के आर्थिक भूगोल के जो अध्ययन की विधियां हैं उनमें अवस्थिति और वितरण प्रतिरूप है। सबसे पहले आर्थिक भूगोल के अंदर किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति और वितरण का अध्ययन किया जाता है। फिर उसकी विशेषताएं और विशिष्टताएं क्या है, आर्थिक तत्व है। आर्थिक भूगोल के अंदर आर्थिक तत्व वस्तु या कार्य विशेष का अर्थतंत्र अन्य तत्वों से जो बाह्य वातावरणीय अंतर सहसंबंध है, ये अंतर सहसंबंध कार्य कारण की दृष्टि से, कार्यात्मक दृष्टि से और क्षेत्रीय दृष्टि से आर्थिक भूगोल के तत्व या वस्तु या कार्य विशेष का अन्य तत्वों से कोरिलेशन होता है, संबंध होता है, जिसमें कार्य कारण का संबंध होता है, कार्यात्मक रूप से कार्यों की दृष्टि से संबंध होता है और क्षेत्रीय दृष्टि से भी संबंध देखने को मिलता है। अब अपन सबसे पहले लेते हैं कि आर्थिक भूगोल की अध्ययन की जो विधियां हैं उनमें अवस्थिति और वितरण जो प्रतिरूप है, अवस्थिति और वितरण प्रतिरूप है, इसमें आर्थिक तंत्र के किसी भी तत्व के अध्ययन के लिए प्रथम प्रश्न ये उठता है कि अमुक तत्व वस्तु या आर्थिक कार्य कहाँ अवस्थित है। सबसे पहले बात अवस्थित की आती है कि कोई भी आर्थिक भूगोल का अर्थतंत्र का जो प्रमुख तत्व है, वस्तु है, कार्य है, ये कहाँ अवस्थित है तथा उसका सामान्य और प्रादेशिक वितरण प्रतिरूप कैसा है। सापेक्षित अवस्थिति तथा वितरण प्रतिरूप का ज्ञान क्षेत्रीय संगठन का सही रूप जानने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि यदि अपन को क्षेत्रीय प्रतिरूप के वितरण का ज्ञान जानना है तो उसकी अवस्थिति का ध्यान होना जरूरी है। उदाहरण के लिए यदि जनसंख्या का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करें तो जैसे जनसंख्या का अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम अपन ये जानने की आवश्यकता होगी कि विश्व की जनसंख्या कहाँ और किस प्रकार वितरित है, यानी उसकी क्या जानेंगे, अवस्थिति और वितरण। अर्थात जनपुंज जो जनसंख्या का सघन क्षेत्र है किन किन स्थानों में मिलता है, उन सभी स्थानों की पारस्परिक स्थिति क्या है, क्या ये सभी जनसंख्या सघन क्षेत्र सम्मिलित रूप से कोई विशेष तंत्र या क्रम या व्यवस्था व्यक्त करते हैं। उक्त तीनों के सम्मिश्रण को वितरण प्रतिरूप कहते हैं। तो यदि अपन जनसंख्या वितरण के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी होगा कि सघन जनसंख्या क्षेत्र कहाँ स्थित है, उसके वितरण का प्रतिरूप जानना बहुत जरूरी होगा कि विश्व के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्रों में मिलती है, अर्थात चीन, भारत और इंडोनेशिया में सर्वाधिक मिलती है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी जो तटीय प्रदेश हैं यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो इससे यानी कि उसके वितरण प्रतिरूप में उस तत्व या कर्म या व्यवस्था को व्यक्त करते हैं। वितरण प्रतिरूप में हमें तत्व विशेष की पूर्ण मात्रा ही नहीं वरना सापेक्षित मात्रा की प्रादेशिक भिन्नता का आभास भी मिलता है, प्रादेशिक स्तर पर भिन्नता का आभास मिलता है। जैसे जनसंख्या वितरण प्रतिरूप में से केवल ये पता नहीं चलता है कि कहाँ जनपुंज है, सघन जनसंख्या है, अर्थात कहाँ नहीं मिलता है और कहाँ कितनी जनसंख्या है, बल्कि ये भी पता चलता है कि अपेक्षाकृत अधिक साधारण और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या वितरण प्रतिरूप को अपन पढ़ेंगे तो उससे जनसंख्या का सघन क्षेत्र, साधारण और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन होगा। वितरण प्रतिरूप के आधार पर विभिन्न स्थल आकार प्रकार के वितरण क्षेत्र
ये जैसे इला क्षेत्र है, इलाका है, पेटी है, खंड है, परिमंडल है आदि निर्धारित करते हैं। इनमें प्रथम तीन व्यवहारिक तीन का व्यवहार यानी साधारण अर्थ में स्थानीय सापेक्ष महत्व दर्शाने के लिए होता है। क्षेत्र किसी आकार विस्तार का भी हो सकता है जिसका न तो सापेक्षित क्रम से कोई स्थान है और न ही पारिभाषिक अन्वय है। इलाका वह क्षेत्र है जो किसी स्थानीय भौगोलिक तत्व से संबंधित होता है, जैसे मिर्जापुर इलाका या पठारी इलाका है जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित है। एक यानी कि लंबी पेटी पतले क्षेत्र को कहते हैं, जैसे तराई पेटी है या हुगली औद्योगिक पेटी है, ये भी जनसंख्या की दृष्टि से सघन और विरल माने क्षेत्र माने जाते हैं। प्रत्येक खंड या परिमंडल को का परिभाषित अर्थ में व्यवहार किया जाता है। इसकी संख्या संसाधन प्रदेश के यानी कि अध्ययन के आधार पर की जाती है। तो ये भूगोल आर्थिक भूगोल की अध्ययन की जो विधियाँ हैं उसमें सबसे पहले आर्थिक भूगोल के अध्ययन के लिए किसी भी तत्व कार्य या अर्थतंत्र की अवस्थिति और वितरण का होना अति आवश्यक है और उसी के आधार पर किसी क्षेत्रीय इकाई के प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है, चाहे जनसंख्या का हो या खनिज का हो या वनस्पति का हो या खाद्यान्न फसलों जैसे का हो, सभी का अध्ययन है वो अवस्थिति और क्षेत्रीय प्रतिरूप के आधार पर ही किया जाता है। दूसरी जो अध्ययन की विधि है जिसमें विशेषताएं और विशिष्टताएं हैं, इसमें किसी भी आर्थिक तत्व वस्तु या कार्य की क्षेत्रीय अवस्थिति, उनकी क्षेत्रीय जो अवस्थिति है एवं वितरण प्रतिरूप को समझने के पश्चात उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और विशिष्टताओं का अध्ययन आवश्यक है। यदि अपन आर्थिक भूगोल के अंदर किसी तत्व की वस्तु की और कार्य की क्षेत्रीय अवस्थिति और वितरण समझने के बाद में उनकी विशेषताओं को समझना अति आवश्यक है और इसके अंतर्गत क्या करेंगे, उस तत्व वस्तु या कार्य विशेष में उन विविध पक्षों की प्रक्रियाओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें प्रादेशिक भिन्नताएँ मिलती हो या अन्य तत्वों या कार्यों का प्रादेशिक भिन्नता उत्पन्न करने या अर्थतंत्र के संगठन को प्रभावित करने में सक्षम है। जैसे यदि हमें गेहूं का अध्ययन करना है तो सबसे पहले उसकी अवस्थिति और वितरण प्रतिरूप को जानने के बाद ये जानना चाहेंगे कि विभिन्न प्रदेशों या क्षेत्रों में किस प्रकार गेहूं बोया जाता है और उस प्रदेश या क्षेत्र के कितने भागों पर गेहूं की फसल होती है, उत्पादित होती है, गेहूं की उपज विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टर कितनी होती है, उसके खेती करने का ढंग किस प्रकार है, गेहूं के उत्पादन में श्रम, सिंचाई, खाद, बीज, मशीन आदि की लागत कितनी होती है, यानी गेहूं की क्षेत्रीय वितरण के अलावा उसकी अन्य तत्वों से विशेषताओं की दृष्टि से बारीकी से अध्ययन किया जाता है और इनके अलावा इसमें भिन्नताएं क्या मिलती है, गेहूं पैदा करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति, अन्य फसलें उगाने वाले या अन्य व्यवसाय में लगे लोगों की तुलना में कैसी है, किन प्रदेशों में गेहूं का निर्यात होता है, कहाँ ये स्थानीय उपभोग में ही खपत यानी होती है, गेहूं का प्रदेश के अर्थतंत्र में क्या महत्व है, ये तमाम ऐसे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का अध्ययन विश्लेषण आर्थिक भूगोल की विधियों के अंतर्गत इनकी विशेषताओं और विशिष्टताओं के द्वारा किया जाता है। यानी आर्थिक भूगोल के अध्ययन की जो विधियां हैं उसमें किसी भी अर्थतंत्र
तत्व या कार्य का सबसे पहले अवस्थिति और वितरण का अध्ययन होता है, उसके बाद में उस संबंधित अर्थतंत्र तत्व या कार्य की विशेषताओं का अध्ययन होता है, जिसमें अलग अलग यानी कि फैक्टर पर विभागों की में बांटते हुए उसका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। अब तीसरी जो इनकी विधि है, उनमें थर्ड विधि है कि आर्थिक तत्व वस्तु कार्य विशेष का अर्थ तंत्र के अन्य तत्वों या बाह्य वातावरण से अंतर सहसंबंध। आर्थिक तत्व है, वस्तु है या कार्य विशेष का अर्थतंत्र के अन्य जो तत्व है या बाह्य वातावरण है उससे अंतर संबंध क्या है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन का तीसरा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण उस तत्व वस्तु या कार्य विशेष का अर्थतंत्र के अन्य तत्वों से अंतर संबंध का विश्लेषण करना है। दूसरे चरण में जिन विविध विशेषताओं का विवेचन किया जाता है वे वास्तव में विभिन्न तत्वों के अंतर संबंध और अनोन्य क्रिया के परिणाम होते हैं। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के अंतर सहसंबंध और उनका विभिन्न अनोन्य क्रियाओं से अन्य तत्व वस्तु या कार्य विशेष में प्रादेशिक भिन्नताएं मिलती है और अर्थतंत्र का संगठनात्मक स्वरूप निर्धारित होता है। यानी किसी भी प्रदेश का अन्य तत्वों से अंतर संबंध अनोन्य क्रिया किसी विशेष प्रादेशिक भिन्नताओं के आधार पर मिलती है और अर्थतंत्र का संगठनात्मक स्वरूप इससे निर्धारित होता है। इस अंतर संबंध को अपन तीन दृष्टि से पढ़ते हैं। पहला है कार्य कारण संबंध। इसके अंतर्गत उन अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है जो किसी आर्थिक तत्व या कार्य विशेष में किसी प्रदेश की अवस्थिति और विशेष वितरण प्रतिरूप को अस्तित्व लाने के कारक होते हैं। जैसे किसी फसल के लिए कुछ आवश्यक तापमान और वर्षा की मात्रा की आवश्यकता होती है, जहाँ आवश्यक मात्रा में ये तत्व नहीं मिलते हैं वहाँ फसल नहीं उगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे प्राकृतिक रबर के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से भी अधिक ताप 250 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त वर्षा वितरण भी प्रति माह और प्रतिदिन समुचित होना चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक रबर की कृषि करना संभव नहीं है। तो कार्य कारण का संबंध का मतलब है कि किसी भी आर्थिक तत्व या कार्य विशेष प्रदेश की अवस्थिति या उसके वितरण प्रतिरूप के अस्तित्व में लाने के लिए उन्हें अन्य कारकों के साथ संबंध होना जरूरी है और उन कारकों के बगैर वह कार्य पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए अतः प्राकृतिक रबर का उत्पादन विषुवत रेखीय और निकटवर्ती भागों में ही सीमित है। तो कार्य कारण संबंध यह बताता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसे प्रभावी कारण होना जरूरी है। जैसे प्राकृतिक रबर की कृषि करनी है तो उसके लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, 250 सेमी से अधिक वर्षा और वर्षा का वितरण भी प्रतिमाह और प्रतिदिन समुचित होना चाहिए, और ऐसा नहीं होने पर वह कार्य नहीं किया जा सकता, अर्थात प्राकृतिक रबर की कृषि का कार्य नहीं होता है। और ये उन क्षेत्रों में होता है जो यहाँ भौगोलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र और निकटवर्ती भागों में ये भौगोलिक आवश्यकताएँ
मिलती है जहाँ प्राकृतिक रबर की कृषि की जाती है, जबकि मध्य अक्षांशों में उक्त तापमान और वर्षा की मात्रा समुचित वितरण सुलभ नहीं है, अतः वहाँ प्राकृतिक रबर का उत्पादन संभव नहीं होता है। उसी प्रकार रबर के उत्पादन के लिए कुछ प्राविधिक ज्ञान और मांग की भी आवश्यकता होती है, इसलिए जब तक टायर पर चलने वाली गाड़ियाँ नहीं होती थी तथा रबर तैयार करने की विधि मनुष्य को ज्ञात नहीं थी, तब तक रबर का उत्पादन विषुवत रेखीय प्रदेशों में ही नहीं होता था, और इस प्रकार विभिन्न आवश्यक कारकों में से कुछ यदि किसी क्षेत्र में विद्यमान नहीं है अथवा उनमें समुचित मात्रा या गुण की कमी है, तो उस क्षेत्र में प्रभावित होने वाले तत्व के गुण धर्म भी प्रभावित होंगे। जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया की तुलना में अमेजन घाटी में रबर का उत्पादन के सभी कारकों के वांछित गुण धर्म और मात्रा नहीं मिलने से अमेजन घाटी के उत्पादन का हाश हो गया। और कार्य कारण संबंध का दूसरा पक्ष वह है जिसमें किसी आर्थिक तत्व और कार्य की किसी प्रदेश में अवस्थिति, वितरण विशेषताओं का प्रभाव उस प्रदेश के अर्थतंत्र संगठन पर भी पड़ता है। इसकी विवेचना भी की जाती है। जैसे रबर उत्पादन का दक्षिणी पूर्वी एशिया के अर्थतंत्र संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा भविष्य में रबर उत्पादन क्षेत्र और मात्रा बढ़ जाने से उसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं, आदि बातों का विश्लेषण कार्य कारण संबंध का विश्लेषण कहा जाता है। तो आर्थिक तत्व वस्तु और कार्य विशेष का अर्थतंत्र के अन्य तत्वों से जो संबंध है, जिसमें पहला संबंध है कार्य कारण संबंध, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है। दूसरा संबंध है कार्यात्मक संबंध और तीसरा है क्षेत्रीय अंतर संबंध। तो नेक्स्ट जो क्षेत्रीय संबंध है, अंतर संबंध है और कार्यात्मक अंतर संबंध है, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।